विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। जयपुर के महारानी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भारत दीक्षित मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत, सबसे पहले वहां की तस्वीरें बताइएगा और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तो कार्यक्रम का अपडेट क्या है, शुरुआत हो चुकी है क्या या अभी समय है? हालांकि कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी थोड़ी समय है कार्यक्रम में, लेकिन जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से करेंगे और कुछ ही देर के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो उत्साह, जो जोश यहाँ की जनता में दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएँ इस कार्यक्रम में पहुँची है। महारानी कॉलेज के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों को रवानगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पांच राज्यों में संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज वर्चुअल रूप से होगा। जयपुर की राजधानी के महारानी कॉलेज के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ हैं, छात्रा हैं, क्योंकि इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो भी केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है वो डोर टू डोर यानी कि हर जगह प्रदेश के हर कोने कोने में वो योजनाएं पहुंचे, जिसके बीच में गरीबों और जो योजनाओं के बीच की दूरी का जो फासला है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और आप मंच की तस्वीर देख सकते हैं, कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचेंगे, तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस मंच पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पांच राज्यों से आज इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ है वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और राजस्थान में के जो नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, जिनका आज पहला कार्यक्रम है, वो बतौर इन रथों को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। ये रथ जाएंगे, बाकायदा ग्रामीणों के बीच में जाएंगे और वहाँ की जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें, इसके अलावा स्वास्थ्य योजना की बात करें, स्वास्थ्य मेले की बात करें, आधार कार्ड अपडेशन की बात करें, तमाम इन योजना है वो जनता के बीच में जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो फासले लगा, कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण अंचलों के अंदर जो आम जनता है इन तरह की योजनाओं से वंचित रह जाती है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का विजन भी यही है और नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि किस प्रकार से भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल यहां पर किया जाए। इसी के उद्देश्य को लेकर ये योजनाओं का जो रथ है वो राजस्थान से शुभारंभ होना, इसका जो शुभारंभ है पहले होना था लेकिन आचार संहिता के कारण इस यात्रा का शुभारंभ नहीं कर पाए, लेकिन आज पांच राज्यों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यानी कि 3 बजे के करीब इस यात्रा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ है वो यहाँ पर करने वाले भारत, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जो युवतियां हैं वो हैं, महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं, हालांकि पुरुष भी हैं लेकिन बहुतायत में यहाँ पर फीमेल ज्यादा हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि यहाँ से जब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी तो मोर्चा महिलाएं ही संभालेंगी? देखिए बिल्कुल हर अंचल के लिए हर एक अलग अलग जो संगठन के लोग हैं चाहे सरकार के लवाजमे हैं उनको एक टास्क यहाँ पर दिया गया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम है, जो शुभारंभ है, उसमें महिलाओं की तादाद और छात्राओं की तादाद ज़्यादा देखी जा सकती है। तो केंद्र की जितनी भी योजना है भारत, कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाथ में पेन भी है, डायरी भी है, क्योंकि यहाँ नोट भी किया जाएगा जो प्रधानमंत्री बोलेंगे, पूरा ये टास्क आप जिस तरीके से बता रहे हैं, पोस्टर भी हाथ में महिलाओं के नजर आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल ये महिलाएं में कासा जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप कहाँ से आई हैं सबसे पहले बताएं? जी हम आमेर में नारदपुरा जेडीए कॉलोनी है, वहाँ से हम लोग आए हैं, राजीविका से जुड़े हुए हैं और ये मतलब पहला मौका मिला है हमें यहाँ इवेंट में आने का, जो कि हम सभी महिलाएं हैं। अच्छा, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, मोदी जी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की वजह से आज महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, राजीविका का है और ये जो अपने ये कौन सा वाला था आजीविका उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना, इन चीज़ों से महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी वो अब आज इतना आगे निकल रही हैं, जिन्हें बोलने में झिझक होती थी वो खुल के बोल रही हैं, यही कहना चाहूंगी। और मोदी जी की वजह से आप घर से बाहर निकली हैं आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजीविका का जो उन्होंने ये चलाया है इसी वजह से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो मुश्किल, कभी बाहर नहीं निकली। अच्छा, जिस प्रकार से केंद्र की योजनाएं
कितना सहमत है कि कितनी लाभकारी है लोगों के लिए, कितनी मददगारी है? नहीं, सारी जो भी जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं सारी अब तक तो सही हैं। जितनी भी है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी हैं, जिससे महिलाएं आगे बढ़ती हैं और उनको बढ़ने का संगम मिल रहा है, उनको मौका मिल रहा है आगे मिलने का, बढ़ने का महिलाओं को। प्रधानमंत्री के जरिए उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं और हम तो उनकी सारी योजनाओं का सम्मान करते हैं। देखिए दीपिका, आपने सुना महिलाओं को कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी योजनाएं हैं और महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, यही कारण है कि आज अपने घरों से निकलकर इस कार्यक्रम में ये महिलाएं पहुंची हैं और खासा उत्साह इन महिलाओं में देखा जा रहा है। तो कुछ देर के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वर्चुअल रूप से यहाँ करने वाले, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि महारानी कॉलेज, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, जहाँ पर महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं दूर दराज से, जैसे कि अभी हमने महिलाओं से बात की, आमेर से वो यहाँ आई है, तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अलग अलग जगह से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, क्या ये पार्टी की कार्यकर्ता है या फिर इनमें आम जनता भी है? क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। पार्टी के कार्यकर्ता जो होंगे उनको बाकायदा टास्क दिया जाएगा और जो आम जनता होगी वो समझ रही है कि केंद्र की योजनाएं क्या है, हमें और भी उनको प्रचारित करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री समय समय पर इन बातों का जिक्र करते रहे हैं कि हम योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन आपको पता होना जरूरी है, लोगों को पता होना जरूरी है, जिनसे उनको लाभ मिल सके। देखिए बिल्कुल दीपिका, जाहिर सी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और उनके हाथों में इस पूरे संकल्प यात्रा की बागडोर है, क्योंकि पार्टी के संगठन के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र की तमाम जितनी भी योजना है वो आम जनता तक पहुंचे और आम जनता को उसका लाभ मिले। तभी आम जनता को उसका लाभ मिलेगा तो सीधा सीधा फायदा पार्टी को होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से इस कार्यक्रम को लेकर तैयार हैं, तमाम जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर वो आम जनता के बीच में। एक तरफ केंद्र की योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी दारोमदार बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर घर तक योजनाओं को पहुंचाना है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे 24 भी है, उसको भी फतेह करना है, लेकिन उससे पहले योजनाएं हैं, योजनाओं के दम पर चुनाव में पार्टियां जा रही हैं, लोगों को बता रही हैं और उनको फायदा भी पहुंचा रही हैं। बहुत शुक्रिया भारत इन तस्वीरों के लिए, बातचीत।